कन्हा नदी में एसडीआरएफ द्वारा जारी तलाशी अभियान जिलाधिकारी नागपुर के अगले आदेश तक बढ़ा दिए गए हैं। मालूम हो कि बीते 5 सितंबर को कन्हा नदी में यवतमाल जिले के दिग्रस शहर के 5 युवाओं डूबकर मौत हो गई थी, जिसके तुरंत बाद शुरू हुई तलाशी अभियान में एक एक कर अब तक 4 शव बरामद हुए, लेकिन अयाज बेग नामक युवक का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। इस संदर्भ में एसडीआरएफ पीएसआई प्रकाश नेमाने ने बीसीएन न्यूज को जानकारी दी है। दिनांक 5/9/2021 रोजी तालुका डिग्रस जिला यवतमाल येथील 5 युवक अम्मा दरगा क्रान कामठी या ठिकाणी दर्शनाकरता आले होते। दर्शन झाल्यानंतर बाजूलाच नदी असल्याने त्यांना पोहण्याचा मोह आवरला नाही आणि ते पोहण्याकरता गेले। पाण्याला वेग होता, त्या पाण्याच्या वेगाने ते पाण्यामध्ये वाहून गेले। या घटनेची माहिती तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या मार्फतीने राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नागपूर यांना मिळताच आमची टीम या ठिकाणी रवाना झाली। येथे आल्यानंतर एडीपीओ भगवान साहेब, तहसीलदार प्रशांत सांगळे, पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक काळे साहेब यांना भेटून घटनास्थळाकडे रवाना झालो। घटनास्थळाची पाहणी केली आणि 2 बोटी टीमसह तयार केल्या आणि ऑपरेशनला सुरुवात केली। दुपारी अंदाजे 2:30 एक बॉडी रिकवर झाली, त्यानंतर ऑपरेशन चालू ठेवले। रात्र झाल्याने ऑपरेशन थांबवण्यात आले। 5 तारखेपासून आजपर्यंत 4 बॉडी रिकवर झाल्या, 1 बॉडी रिकवर होणे बाकी आहे। आज रात्रीला अतिवृष्टी झाल्याने नदीला आपण पाहतात पुराचं रूपांतर झालेलं आहे, त्यामुळे बोटी टाकणे अवघड झालेलं आहे। त्यामुळे आम्ही नदीच्या दोन्ही काठाला 2 टीम तयार करून पायी सर्चिंग चालू केलेली आहे। बॉडी भेटेल अशी अपेक्षा आहे, त्या अपेक्षेनेच आम्ही ऑपरेशन चालू ठेवलेलं आहे। धन्यवाद। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों और खासकर बीती रात हुई वर्षा से नदी उफान पर है। एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीम के सदस्य, कन्हान पुलिस और स्थानीय मछुआरों द्वारा पूरी शिद्दत से तलाशी अभियान जारी है। देखना होगा कि दिग्रस युवाओं के कन्हान नदी जल समाधि मामले में जहां अब तक 4 शव बरामद हुए हैं, वही अयाज बेग के परिजनों और दोस्तों को शव बरामद होने की उम्मीद अभी बाकी है। देखना होगा कि अंतिम शव की बरामदगी में अब आगे कितना समय लगता है। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।